हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो जो है वो साउंड टेस्ट वीडियो है और इसमें मैं कंपैरिजन करूँगा सिंपल होंडा 125 की साउंड टेस्ट का सेल्फ स्टार्टर 125 के साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सिंपल होंडा 125 का साउंड चेक करवाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सिंपल होंडा 125 का जो है वो साउंड आपने देखा, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अब इसका कंपैरिजन करने जा रहा हूँ मैं सेल्फ स्टार्टर, ये बाइक जो आपके सामने है सेल्फ स्टार्टर वाली, इसका साउंड टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका साउंड टेस्ट भी देखिए और आखिर में जो है फिर मैं अपनी ओपिनियन का इजहार करूँगा और आप लोगों से भी आपकी राय जानूंगा। इसे प्रेस करके इसको थोड़ा सा साउंड में फर्क है ना, वो वाली रेट रेट शायद जो ज़्यादा है, मेरे रेट ज़्यादा है इसका, इसका 99 है, पूरी बाइक का इसका 10 है। साउंड में फ़र्क है, आवाज़ साउंड में फ़र्क है, फ़र्क है। तो फाइनली दोस्तों, आपने दोनों बाइक्स का साउंड टेस्ट देखा और दोस्तों अब जो है मैं अगर अपनी ओपिनियन का इज़हार करूं कि मुझे दोनों बाइक्स में से किसका साउंड टेस्ट ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मुझे दो साउंड टेस्ट ज़रा बेहतर महसूस हुआ है वो सेल्फ स्टार्टर बाइक का हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका सिंपल बाइक है उसका साउंड जो है थोड़ा सा, अगर आप फैमिली यूज़ बाइक रखते हैं, जो अगर आपने बाइक जो फैमिली यूज़ के लिए रखी है, तो वो थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्बिंग हो सकती है। और जो सेल्फ स्टार्टर की बाइक की जो साउंड है वो थोड़ा हल्का है, तो वो ज़रा बेटर है फैमिली यूज़ के लिए। तो दोस्तों, बाकी आप लोगों को दोनों बाइक्स में से किसका साउंड ज़्यादा बेटर लगा, तो दोस्तों इस आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट हर वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।